इवन बेटे के चक्कर में लोग पांच पांच बेटियां कर देते हैं, लेकिन अगर उनको बेटा नहीं होना है तो नहीं होना है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे अपने घरों में। तो दोस्तों, आज मैं अपना जो ब्लॉग है मॉर्निंग से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और अभी जो है ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शॉल लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह की मॉर्निंग की चाय गर्मा गर्म। तो अदरक और काली मिर्च मैंने कूट के डाल दिया है इसके अंदर, और मैं ग्लास में ही कूट लेती हूँ क्योंकि मेरे पास कूटने वाला नहीं है, जिसमें कि हम कूटते हैं ना अदरक वगैरह, वो नहीं है। और यहाँ पर जो है बाबू के लिए मैं दूध जो है उसको गर्म करूँ, और 1 लीटर दूध आता है, और इसमें थोड़ा सा पानी मैं ज़रूर मिक्स करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं मिक्स करती हूँ तो इससे बाबू को कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, उसको फिर बाद में मतलब दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ मैं दूध को गर्म करते वक्त, और फिर दूध को जब हम बॉईल करते हैं तो वो पानी थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे चाय बन गई है, और ये कप वाली चाय जो है हस्बैंड के लिए और ग्लास वाली चाय मेरे लिए। तो चाय हमने पी लिया है, नाश्ता कर लिया था चाय के साथ, मतलब नमकीन वगैरह खा लिया था। और यहाँ पर जो है मैं हरी प्याज काट रही हूँ, और लाल वाली प्याज भी मैंने काटी हुई है। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ अभी एग भुर्जी। तो यहाँ पे प्याज भी मैं करती रहूँगी और एक तरफ बनाती रहूँगी। तो प्याज जैसे जैसे कट जाएंगे तो वैसे ही मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी और इसको फ्राई करती जाऊँगी। क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं कोई आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, इसलिए नॉर्मली जैसे हम घर में काम करते हैं ना, वैसे ही मैं प्रॉपर उसी तरीके से ही काम कर रही हूँ। जैसे मैं एक बार एक साइड काटती रहती हूँ, एक साइड बनाती रहती हूँ, तो बस एक तरफ वो बनता भी रहेगा और मेरा काम जो है थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी क्या है कि मेरे को आटा गूंदना है और रोटी बनानी है। तो यहाँ पर मैं हरी प्याज मैंने ले रखी है, और पता है जब सर्दियों का टाइम आता है ना तो बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मिलती हैं मार्केट में, जिसकी वजह से अभी जो है ये सब चीज़ें खाने का बड़ा दिल करता है। तो हरी प्याज हम ज़्यादा खाते हैं इस टाइम पे, और हरी प्याज हो गई, पालक हो गई, ग्रीन लीव्स की जितनी भी वेजिटेबल्स होती है ना वो हम ज़्यादा खाते हैं। और ये देखो इस तरह से अंडे में, वैसे तो नॉर्मल डेज़ में हम अंडों में तो सिर्फ नॉर्मल प्याज डालते हैं ना, लेकिन इन दिनों में मैं हरी प्याज भी ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया एक टमाटर, तो इधर प्याज फ्राई हो रही है और इधर से मेरे जो है टमाटर वो कट रहे हैं। तो ऐसे करने से काम जल्दी जल्दी होने लग जाता है। यहाँ पे धनिया की पत्ती मैंने काट दी है, और ये सब मैंने अच्छे से धो लिया था पहले ही, और ये फटाफट से मैं यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि काम करते करते मैं थोड़ा बहुत साफ़ करती रहती हूँ और हाथ धोती रहती हूँ अपना। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है मेरी पकने वाली है, और मिर्ची मैंने डाली नहीं थी इसके अंदर, तो अभी मेरे को याद आया तो मैंने 2-3 मिर्च फटाफट से काट के डाल दिया है। और अभी ऊपर से मैंने इसमें लार्ज मिर्च भी डालनी है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और इस तरह से अंडे की भुजिया में अगर आप हरी प्याज डालते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बनती है। और यहाँ पे जो है मैं फ्राई कर रही थी टमाटर, तो हस्बैंड ने कहा इसको और अच्छे से गलाओ, तो मैंने कहा एक काम करो और अच्छे से गलाते रहो, मुझे आटा गूंदना है, मैं अपना चलिए आटा गूंद दें। और यहाँ पे मैंने कहा अंडा जो है वो आप बना लेना पीछे से, तो ये अंडा बनाने लग गए और मैं यहाँ पे जो है आटा चाल रही हूँ, यानी कि आटा चालने की जो चलनी होती है उससे चाल दिया है मैंने, और आटा जो मेरा गूंद चुका है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, और ये देखो हस्बैंड ने जो है अंडे की भुर्जी बना दी है, तो मुझे कह रहे थे कि ये देखो ऐसे ऐसे बनाई जाती है। तो मुझे ना जब भी मैं अंडे की भुर्जी बनाती हूँ तो मुझे टोकते हैं, और जब सारी रोटी बन जाएगी मतलब हस्बैंड के ले जाने के लिए, तो उसके बाद जो एक दो रोटी मतलब एक पराठा बना दूँगी मैं, अंडे की भुर्जी का ही एक पराठा बनाऊँगी मैं अपने बाबू के लिए। मतलब मेरा बेटा थोड़ा चटपटा पाएगा तो वो खा लेता है, कभी कभी खा भी लेता है, कभी कभी नहीं भी खाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है तिकड़मबाजी। तो यहाँ पर मैं जो है अपने बेटे के लिए बना रही हूँ पराठा, और फिर जो है मैंने बना तो दिया था उसके लिए लेकिन उसने नहीं खाया, तो लास्ट में मुझे ही ये पराठा खाना पड़ा। और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से अंडे की भुर्जी वाला पराठा, अगर आप कभी बना के देखना तो बहुत टेस्टी लगेगा। और ये मतलब बच्चों के लिए भी बना दो तो बहुत हेल्दी होता है बच्चों के हिसाब से, अंडा भी बच्चों को मिल जाता है और उस फाइबर भी मिल जाता है, प्रोटीन फाइबर दोनों मिल जाता है इस तरीके से। तो इस तरह से बच्चों के लिए बना के देखो, बहुत टेस्टी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं पराठा फटाफट से बना देती हूँ, और लंच जो है भी मुझे हस्बैंड का लंच पैक करना है, तो उनका टाइम भी हो रहा है जाने का, और मैंने रोटी उनको दे दी है खाने के लिए, तो अपना वो नाश्ता वगैरह कर लेंगे। मतलब ऑफिस के बाद जो है उनका खाना मुझे पैक करना है, तो वो मैं पैक कर दूँगी। सो गाइस, सारे घर के काम कर चुकी हूँ मैं, और अभी जो है शाम के बज रहे हैं 5, तो काम तो मेरा जो है 1 बजे तक ख़त्म हो गया था। बाबू मेरा भी सोया हुआ है, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेते हैं।
तो मैंने YouTube पे एक वीडियो देखा था, एक आंटी जी का था जिन्होंने अपनी ससुराल की बुराई की हुई थी। मतलब मुझे क्या लगता है कि कुछ लोगों ने YouTube का चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए खोला है कि वो लोग कुछ डिफरेंट कंटेंट नहीं दिखा सकते, तो वो लोग सिर्फ अपने ससुराल वालों की बुराई कर सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि वो खुद एक सास हैं और उनका उनकी खुद उनके बहू बेटे उनके साथ नहीं रहते हैं, उनके बड़े बेटे उनकी बड़ी बहू उनके साथ नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा सा ये भी हो सकता है ना कि उन्होंने भी कुछ अत्याचार कर रखा होगा अपनी बहू के साथ, तभी शायद उनकी बहू नहीं रहती होगी उनके साथ। मैं बात कर रही हूँ साइक्लोन की दुनिया की, उनकी मम्मी की, साइक्लोन की दुनिया की मम्मी की। जैसे जिनको जो लोग जानते होंगे साइक्लोन की दुनिया को, उनकी मम्मी जी की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने जो अभी रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट किया था उस वीडियो में वो बता रही थी कि उनकी सास बहुत ज़्यादा वैसी थी और उनको बेटा बेटा ही चाहिए था। तो मैं बता दूँ कि पहले का जो टाइम था ना, उस ज़माने में लोग बेटा बेटा ही बहुत ज़्यादा करते थे, और आज भी बता दूँ तो दुनिया इतनी चेंज नहीं हुई है। आज भी चेंजेस है, 80% चेंजेस है, तो 20% लोग अभी भी ऐसे हैं जो बेटे की ही चाह रखते हैं। इवन बेटे के चक्कर में लोग 5-5 बेटियाँ कर देते हैं, कुछ लोग अभी भी ये सब चीज़ें मानते हैं और करते हैं। और रही बात हिटलर की, तो आज की डेट में भी अगर देखा जाए ना, तो बहुत से घरों में लड़कियां बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं, फिर चाहे वो दहेज हो या फिर कोई भी चीज़ें हो। तो ये सब चीज़ें आज की डेट में भी होती हैं। आप लोग अपनी चीज़ों को सिर्फ इतना बढ़ा चढ़ा के बताते हो कि जैसे लगता है कि कोई अनोखी चीज़ हो गई है। और आंटी जी की जो अभी ससुराल की अगर बात की जाए, तो वो उस ज़माने की बात है, और उस टाइम पर मोस्टली जो सास होती थी ना, वो हिटलर काइंड ऑफ ही होती थी। हमारी मम्मियों की भी टाइम बहुत बुरा निकला है इनका ससुराल का टाइम। मम्मी जब हमारी बताती है तो हमारी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि इन लोगों ने बहुत कुछ झेला है। तो आपका तो फिर भी अच्छा खाना पीना रहन सहन सब कुछ था, बहुतों के घरों में तो बहुत सी चीज़ें होती थी तो भी वो लोग अच्छे से खा पी नहीं पाते थे। तब के ज़माने की सासें ऐसी होती थी। तो ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए यूट्यूब पे कि अब आपके मुंह से तो खैर ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। वो इसलिए नहीं अच्छी लगती हैं क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, एजड हैं, और आपको तो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने चैनल पर बतानी चाहिए, क्योंकि आपके चैनल पर बहुत से ऐसे लोग देखते होंगे ना जो अनमैरिड होंगी, कुछ न्यूली मैरिड होंगी, कुछ मतलब मैरिड होंगी, तो इस तरह की बातें लोग सुन सुन के क्या सीखेंगे? क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हैं? अगर आपको तो अच्छी बातें बतानी चाहिए। आपकी बेटी भी अपने चैनल पर आए दिन कुछ ना कुछ तांडव करती रहती है, कुछ ना कुछ स्यापा क्रिएट करती रहती है, और आप भी मतलब वही सब चीज़ें अभी कर रहे हो। आपको तो कम से कम बचपने जैसी बातें नहीं करनी चाहिए, आपको कुछ समझदारी वाली बातें करनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए जिनसे लोग सीखें। तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और ससुराल की बुराई करना ही कंटेंट नहीं बनाओ, कुछ अच्छा कंटेंट बनाओ। ससुराल वालों ने इतना अत्याचार किया, ससुराल वालों ने ये करा वो करा, आपकी तो शायद अभी ससुराल में आपकी सास तो शायद होंगी भी नहीं अभी, क्योंकि आपकी उम्र इतनी है तो उनकी तो अब क्या ही होंगे वो। अगर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको अच्छा मैसेज देना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा संदेश नहीं है जो आप लोग दे रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी भी इसी तरह के काम करती हैं, वो भी आए दिन अपनी सास की बुराई या ससुर की बुराई करती हैं, और आप भी ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत हैं। और ये मत भूलिए कि आप भी एक सास हैं, तो हो सकता है आपकी बहू भी ये सब चीज़ें देखे, और एक बेटा और है आपका, तो उनकी भी आप सास ही बनोगे अगर दूसरे बेटे की शादी भी होगी, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और चलिए, और ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है, बस इतना ही कहना था। और आज का व्लॉग जो भी मैंने शूट किया है कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी उषा हर्षराज, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।